देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। रूसी नौसेना दिवस समारोह में पहुंचे ब्रह्मकुमारी सदस्य। भारतीय नौसेना का फ्रिगेट तबर रूसी नौसेना दिवस के समर्पित समारोह में भाग लेने के लिए रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में पहुंचा। इस युद्ध पोत का निर्माण 2004 में सेंट पीटर्सबर्ग के बाल्टिक शिपयार्ड में किया गया था। यह भारतीय नौसेना में तलवार श्रेणी का तीसरा बहुक्रियाशील जहाज है। फ्रीगेट तवर पर हुए सेलिब्रेशन में ब्रह्मकुमारीज भी विशेष आमंत्रित थी, जिसमें सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रह्मकुमारीज की निदेशिका बीके संतोष ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। प्रतिभागियों में नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख वाइस एडमिरल तरुण सोपती, मॉस्को में भारतीय दूतावास से ब्रिजेंद्र सोडी, सेंट पीटर्सबर्ग में भारत के महावाणिज्य दूत गौरव कुमार, बाल्टिक शिपयार्ड के महानिदेशक अलेक्जेंडर समेत भारतीय नौसेना के कई अधिकारी मौजूद रहे। बीके संतोष से मुलाकात के दौरान अलेक्जेंडर कोनोवलोव को यह जानकर खुशी हुई कि सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रह्मकुमारी केंद्र द्वारा कई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान मिल रहा है। अगले दिन जहाज के चालक दल से मिलते समय बीके संतोष ने रक्षाबंधन के प्राचीन त्योहार के गहरे आध्यात्मिक महत्व को समझाया और सभी को रक्षा सूत्र बांधा। मुख्यालय में 3D हेल्थ केयर कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। गलत खानपान और अनियमित दिनचर्या के कारण आज तेजी से लोगों में हृदय रोग बढ़ रहा है। अगर समय रहते हमने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव नहीं लाया तो आने वाला समय बहुत मुश्किलों भरा होगा। यह बात कही हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश गुप्ता ने। वे मुख्यालय के मनमोहिनी वन परिसर में चल रहे हृदय रोगियों के 3D हेल्थ केयर कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में लोगों को संबोधित कर रहे थे। आगे माउंट आबू में ग्लोबल हॉस्पिटल के निदेशक बीके डॉक्टर प्रताप मिड्ढा, चिकित्सा प्रभाग के सचिव बीके डॉक्टर बनारसी लाल शाह समेत अन्य वरिष्ठ बीके सदस्यों ने भी अपने भाव रखे। सभी का यही कहना था कि भारत सहित दुनिया में तेजी से यह बीमारी बढ़ रही है। इसका मूल कारण लोगों के जीवन में नकारात्मकता, तनाव, डिप्रेशन, गलत खानपान के कारण भारत हृदय रोग की वैश्विक राजधानी बनने की ओर है। अब लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं, इसीलिए प्राचीन पद्धति को अपना रहे हैं। राजयोग ध्यान और आध्यात्मिक ज्ञान से ही जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। यह कैड कार्यक्रम 7 दिनों तक चलेगा, जिसमें भोजन, डाइट, एक्सरसाइज तथा मेडिटेशन और मेडिसिन की सहायता से पूरा अभ्यास कराया जाएगा। इसके साथ ही प्रातः तथा सायंकाल की दिनचर्या के अनुरूप ही कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। फ्रेंडशिप डे और रक्षाबंधन में मौली धागे का प्रयोग करने पर चर्चा। रक्षाबंधन पर बंधी फैंसी राखी शाम रात तक कलाई से उतर जाती है, जबकि मौली का धागा महीनों कलाई की शोभा बढ़ाता है। यह बातें छत्तीसगढ़ बिलासपुर के शिव अनुराग भवन राजकिशोरी नगर में मौली धागा के महत्व पर चर्चा करते हुए ममता पांडे ने कही। दरअसल सेवा केंद्र पर पॉजिटिव थिंकिंग एवं मौली अपना कर देश की संस्कृति बचाए, इस पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि शास्त्रों में कथा श्रवण के पूर्व रक्षा सूत्र के रूप में मौली धागा बांधने की परंपरा है। इससे कलाई में नाड़ियों पर विशेष दबाव बनता है, जिससे ज्यादा देर बैठने की शक्ति मिलती है और एकाग्रता भी बढ़ती है। उन्होंने मौली धागा से आकर्षक रक्षा सूत्र बनाने की विधि बताई और सभी से, विशेषकर युवाओं व बच्चों से आह्वान किया कि आगामी फ्रेंडशिप डे और रक्षाबंधन में मौली धागा का प्रयोग करें। परमात्मा के महावाक्य पर चिंतन करते स्थानीय प्रभारी बीके मंजू ने कहा कि ग्लानि करने वाले अपकारियों पर भी उपकार की भावना, शुभ भावना दिल से निकले तब कहेंगे नेचुरल पवित्र जीवन। शांत स्वरूप में स्थित हो परमात्मा की छत्र छाया का अनुभव करने से विघ्न दूर से ही भाग जाएंगे। जैसे मैंने ही देखी ये भूतिया है ना, अब क्या है, अब इसे मुझे बांधना भी पड़ेगा। तो हम जो सबसे बड़ा वाला जो धागा है उसका एक छोटा सा हिस्सा, पतला सा हिस्सा हम क्या करेंगे, इसी में से निकाल करके ये जो धागे हैं इन धागों को हम क्या करेंगे, बांध लेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे नॉट लगा लेंगे और इसको टाइट कर देंगे। थोड़ा आपका जितना धागा है आप उतने ही धागे से उसको अच्छी तरीके से टाइट करके बांध दीजिए। रायपुर सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके सविता ने हाल ही में लोकसभा सांसद और जिंदल कंपनी के मालिक नवीन जिंदल के रायपुर आगमन पर उनसे मुलाकात कर उन्हें मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया।
रायपुर प्रवास के दौरान सांसद नवीन जिंदल अपने व्यस्ततम दिनचर्या में से समय निकालकर ब्रह्मा कुमारी बहनों से बहुत ही आत्मीयता से मिले। उन्होंने अवगत कराया कि ब्रह्मा कुमारी बहनों का आशीर्वाद उन्हें हर जगह मिलता रहता है। इस पर बीके सविता ने उन्हें रायपुर में की जा रही ईश्वरीय सेवाओं की जानकारी दी, साथ ही ईश्वरीय सौगात भेंट कर राखी भी बांधी। रायपुर स्थित ब्रह्मा कुमारी के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में नई दिल्ली से पांडव भवन सेवा केंद्रों की निदेशिका बीके पुष्पा के सानिध्य में 3 दिवसीय गहन योग साधना कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस आयोजन का शुभारंभ बीके पुष्पा, बीके विजया और बीके सविता के कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसमें भाग लेने पहले सत्र में संस्था से जुड़ी सैकड़ों माताएं एवं कुमारियां पहुंची। लौट चले घर की ओर विषय पर सभी ने केंद्रित होकर तपस्या की। योग भट्टी में रायपुर व उनके कनेक्शन की 700 माताओं और कुमारियों ने भाग लिया। आइए सुनते हैं बीके पुष्पा ने सभा को मार्गदर्शित करते हुए राजयोग ध्यान के कौन से गहरे टिप्स दिए। कई बार कई पूछते हैं, हमें समझ नहीं आता व्यर्थ क्या होता है, तो इससे जब तक हम नहीं छूटेंगे तो हम वापस घर कैसे जाएंगे। लेकिन अंदर ही अंदर अपने को न्यारा करती जाओ, बस अंदर ही अंदर, मुख से कहने की बात नहीं है, अंदर ही अंदर। जिसको भी देखो, ये बच्चा ये बाबा का है। ओडिशा के राउरकेला में ब्रह्मा कुमारीज के कोयल नगर सेवा केंद्र द्वारा कुंभारबंद के हायर सेकेंडरी स्कूल, सरकारी हाई स्कूल, डीएवी पब्लिक स्कूल, आईबी थर्मल और उड़ीसा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन के ऑफिसर्स क्लब हॉल में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत कार्यक्रमों का आगाज हुआ। अवसर पर सैकड़ों कर्मचारियों, स्थानीय लोगों एवं विद्यार्थियों, शिक्षकों को बीके राजीव ने खुद से प्यार करने का प्रशिक्षण दिया, साथ ही जीवन में प्राप्त हुई हर छोटी से छोटी उपलब्धि के लिए दिल से आभार प्रकट करना सिखाया। सभी से बुराइयों एवं नशे से बचने की शपथ लेते हुए आजीवन भर इन्हें निभाने का वायदा भी लिया। इन कार्यक्रमों द्वारा सभी के साथ एक संवाद स्थापित करते हुए नशे से होने वाली मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक विकृतियों के बारे में बीके राजीव ने जागरूक किया। इन कार्यक्रमों के दौरान एक निष्कर्ष सामने आया कि नशे का मुख्य कारण किसी न किसी प्रकार का मनुष्यों में बढ़ता हुआ विकार अथवा तनाव है और इस बीमारी का कारगर इलाज आध्यात्मिक सशक्तिकरण ही है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।